हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। महंगाई के साथ साथ गरा फरोश भी आवाम को लूटने लगे। ओबरा की जानिब से एलपीजी का सरकारी नेख 204 रुपए मुकर्रर, एलपीजी 300 रुपए किलो और रिक्शा ड्राइवर्स इंतजामिया की नाहली पर नाला। ड्राइवर्स और शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है महंगाई के साथ साथ गरा फरोश भी आवाम को लूटने लगे। ओगरा की जानिब से एलपीजी का सरकारी निरख 204 रुपए मुकर्रर, एलपीजी 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स इंतजामिया की नाअहली पर नाला। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है एलपीजी की कीमतों में रोज बरोज इजाफा जारी है। बहावलपुर में एलपीजी 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहर के मुतादिद सेल पॉइंट्स पर 330 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, एलपीजी में इजाफा जारी है। मैं इस वक्त एक सेल पॉइंट पर मौजूद हूं जहां पर फी किलो गैस 320 रुपए फरोख्त किया जा रहा है और शहर के बाद इलाकों में गैस जो है वो 330 रुपए भी फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ यहां पर एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं जी, क्या रेट चल रहा है इस वक्त? 320 रुपए। 320 और क्या कहते हैं कि आगे रेट बढ़ेगा? आपका जो कारोबार है वो कहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ? अगर रेट बढ़ता कारोबार और ठप हो जाएगा। जो हालात पूरे सूरे हैं वो भी अब मुश्किल होते जा रहे हैं। रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया, अब खर्चे भी यहाँ से पूरे नहीं होते। अब पहले कितनी आपकी सेल हो रही थी जब रेट कम था, और रेट बढ़ने के बाद कितनी सेल हो रही है? पहले रेट कम था तो 500 हम बेच लेते थे, अब हम 300 बहुत बार मुश्किल बेचते हैं। इस वजह अब क्या 300 में कुछ भी नहीं बचता। तो ये भी बताइए कि जो घरेलू गैस लेके जाते हैं एलपीजी, उसमें भी उन खरीदारों में भी कमी आई है? बिल्कुल आई है। जहाँ वो आगे 2 किलो डलवाते थे वहाँ 1 किलो डलवा रहा है, या आधा किलो डलवाता है, या 100 रुपये की डलवाता है, इतनी डलवाता, उससे ज़्यादा नहीं डलवाता। जो रक्षे वाले हैं वो कितनी डलवा रहे हैं, वो भी कम हो गए? वो 1 किलो 100 रुपये की, 1.5 किलो, आधा किलो ऐसे डलवाते हैं बस। और रेट कम होने चाहिए? रेट कम होने चाहिए तो इसमें फ़ायदा होगा, जो गरीब तबके वाला रिश्के वाला उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, अभी उनका कारोबार भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी। जब रेट बढ़ेगा तो बेचारा रिश्के वाला क्या करेगा, वो तो ठहरा रहेगा। जो सवारी मिलेगी तो जाएगा, नहीं मिली तो नहीं जाएगा, वो ठहरा जी। ऐसे ही यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो रेट है उनकी वजह से जो घरेलू सार्फीन है वो भी गैस कम खरीद रहे हैं, और जो रक्षा ड्राइवर्स हैं वो भी 1 किलो की बजाय आधा किलो डलवा के जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारा कारोबार जो है वो भी खत्म होता जा रहा है, जो रेट है वो हुकूमत कम करे ताकि इनका कारोबार भी चले और जो महंगाई है उसमें भी कारोबार खत्म होता जा रहा है। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त, एक हफ्ते में कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, मुल्तान शहर में एलपीजी की करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मार्केट्स में एलपीजी का रेट जो है वो 300 रुपए तक जो है वो जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और वो जो घरेलू सार्फीन है जिनके घरों में गैस नहीं आती है, सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, शदीद परेशानी का शिकार जो है वो नजर आते हैं। बात करते हैं रिक्शा ड्राइवर से, फिलहाल क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे 300 रुपए तक चली गई है एलपीजी? भाई जान, गैस पे यही हाल है ना कि आप ये देखेंगे इधर तख्ती लगी हुई है 90 रुपए, 290 रुपए, ये लगी हुई है वो सामने लगी हुई 300 रुपए। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? हम भी आखिर सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी हमारे से लड़ती है क्या, हमने बढ़ाया है? अब आप ये बताएं हम किसके खातिर खड़े, हम भी सवारी के आस पे है ना, जब हमारे को सवारी नहीं किराया देगी हम आगे के गैस कैसे दलवाएं? आप बताएं 300 रुपए गैस वारे में आती है, घर जाते हैं कितना लेकर जाते हैं, रिक्शे का किराया निकल जाता है दिन का, क्या हिसाब किताब? जो कमाते हैं जमा करके वो गैस वाले को दे के जाना पड़ता है, घर जाते हैं तो जेब में कुछ भी नहीं होता, घर है लड़ाई है झगड़े है परेशानी है। इसी सबक में अब यहाँ पे 300 रुपए किलो रेट है, पीछे 290 रुपए किलो है, थोड़ा सा आगे चले जाओ 280 है, 285 है, इनका किसी का कोई भी रेट एक मुताबिक नहीं है, जिसका जहाँ पे रेट आ रहा वो अपने रेट पे उसको सेल कर रहा है। आप लोगों की जो यूनियन है गए नहीं ACDC किसी के पास गए हो कभी? कल हमने अपना क्या नाम है बिहाड़ी चौक पे एहतजाज किया था, उसके चक्कर में कल तक था रेट था इसका 310 रुपये, ये आज इसका रेट हुआ है 290 रुपये, यानी कि एक ही ताज एहतजाज किया है तो 20 रुपये कम हुए हैं, इसलिए कहीं कहीं पे वो भी कहीं कहीं पे, इसलिए अब हम कल हो रही यहाँ पे अजीज रोड चौक पे एहतजाज कर रहे हैं गैस के बारे में, बाकी भी कल पता लगेगा। सरकारी रेट है गैस का, उस पर लाया जाए, उस पर सेल किया जाए, ना कि ब्लैक में जो है वो बेची जाए, और अगर बेची जा रही है तो इस पर जो है जो इदारे हैं इसकी मॉनिटरिंग करें और जो लोग ब्लैक में बेची जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, सरकारी और मार्केट की कीमतों में जमीन और आसमान का फर्क, रिक्शा यूनियन ने 1 फरवरी से एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत की जानिब से जो बम हैं वो गिराए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर बात एलपीजी की कीमतों की करता चलूँ तो एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जो मुल्तान की रक्षा यूनियन है उनके रहनुमा जो है वो मैदान में आ गए हैं और एहतजाज की कॉल जो है वो रक्षा यूनियन की जानिब से दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ परवेज बोतला मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने एहतजाज की कॉल कब से दी है, कब से एहतजाज करने जा रहे हैं और इस वक्त जो है वो एलपीजी की क्या सूरत हाल दे रहे हैं एहतजाज का भी बताएं। इस टाइम एलपीजी जो कीमत है वो तकरीबन 300 रुपए किलो दुकानदारों बेच रहे हैं जबकि कंपनी रेट 280 रुपए है। कमिश्नर मुल्तान को चाहिए कि जितने बड़े डीलर हैं, फैक्ट्री हैं, जैसे सी के, जे के, अपना MS, इस तरह मुख्तलिफ कंपनी है, इनको बुलाए और इनको बिठा के इनसे रेट ले, रेट एक तयन कर दे रेट का, उसके बाद दुकानदारों को बुला के रेट का तयन हो जाए ताकि दुकानदार गवर्नमेंट के रेट पे बेचे और कंपनी भी उनको सस्ता दे। अगर ये काम अमल में ना लाया गया तो इंशाल्लाह यकम फरवरी दोपहर 11 बजे अजीज होटल चौक को हम बंद करेंगे और तमाम ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं। गैस महंगी होने से सवारी जनाब किराया नहीं देती, जिसके बाद हम सवारी और हमारे में तकरार होता है, बाद में शाम को जब हम गैस करवाते हैं तो एक रुपया नहीं होता। गरीब बच्चे हैं, मजदूर करके घर जा रहे होते हैं और जेब में रुपया भी नहीं होता। जब हम कमा के आते हैं तो सारे पैसे हमारे पेट्रोल और गैस में चले जाते हैं। शाम को जो हम 500 रुपया लेके जाते थे अब शाम को हम 150-200 लेके जा रहे हैं। अब 150-200 में हम कैसे घर चलाएं? सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है और इन्होंने यकम फरवरी से जो है वो एहतजाज जो है वो भी दे दिया। मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वसीम शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, डॉलर बेलगाम हुआ तो अवामी सवारी भी बढ़ गई। दाम होंडा कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,000 से 37,000 रुपए का इजाफा। होंडा सीडी 70 CC 1,28,900 रुपए की हो गई। होंडा सीडी ड्रीम 1,37,900 रुपए की हो गई। होंडा प्राइडर की कीमत 1,70,900 रुपए मुकर्रर। होंडा सीजी 125 CC 1,94,900 रुपए की हो गई। आपको आगाह करें, होंडा कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,000 से 37,000 रुपए का इजाफा हुआ। होंडा सीडी 70 CC 1,28,900 रुपए की हो गई। होंडा सीडी ड्रीम 1,37,900 रुपए की हो गई। डेरा गाजी खान में आटे की बिला तातुत सप्लाई में रुकावट खत्म हो गई। सिक्योरिटी ना होने पर फ्लोर मिल्स का ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आटा सप्लाई ना करने का मामला। इस हवाले से मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान डवियन में ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी ना होने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आटा फराहमी के हवाले से सप्लाई करने के हवाले से माजरत की गई थी और इस हवाले से खसूसी तौर के ऊपर इंतजामिया हरकत में आई और इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात भी किए गए और प्रॉपर सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको यकीन दहानी कराई गई, जिस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज मार्केटों में ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आटे की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी है। थोड़ी लेट सप्लाई हुई लेकिन मार्केटों में सप्लाई जो है अब शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे साथ मौजूद हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी जो सिक्योरिटी का कल हमने इशू था उसमें आज रात गए तक जो है ना DPO डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, तमाम ने एहलकारों की ड्यूटियां तैनात कर दी हैं। तो आज हमारी जो मतलब सेल पॉइंट है वहां पे थोड़ी सी लेट हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरसकून माहौल में आटे की सप्लाई जो है ना जारी है। जी बिल्कुल, पुरसकून माहौल में आटे की सप्लाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस की खसूसी ड्यूटियाँ जो है वो सेल पॉइंट्स पर लगाई गई हैं, जिस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से प्रॉपर जो ट्रैकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर आटा जो है सस्ता आटा शहरियों को फराहम किया और प्रॉपर ट्रैकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आशीष वाघ बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का 5 फरवरी को मुल्तान जलसा भरपूर कामयाब बनाने का मिशन। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से।
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ 5 फरवरी को मुल्तान वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। मरियम नवाज के दौरे के हवाले से सूबाई हलका की सतह पर जो टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवारान हैं, उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि वो अपने सूबाई हलके से लोगों को शरीक करवाएं। इस वक्त सूबाई हलका 215 से लीगी टिकट होल्डर आमिर मंजूर अंसारी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आमिर भाई, क्या समझते हैं कि कल जो मीटिंग भी हुई डिविजनल सदर के साथ, फी हल्का कितने लोग अफराद लेके जाने की आपकी ड्यूटी लगी और ये क्या कैसे इंतजाम मुकम्मल होंगे? इंशाल्लाह इसमें भाईजान हमने मतलब हमें जो ड्यूटी दी गई है 500 आदमी फी जो है ना हल्के में से MPA के से ले जाने इंशाल्लाह, लेकिन हमने इंशाल्लाह इसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि बीबी मुल्तान आ रही है, उसका वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने हलके से इंशाल्लाह 2000 अफराद लेकर जलसागा जाएंगे और भरपूर तरीके से जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की तारीख में, मुल्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम सब क्या समझते हैं कि क्या वक्त दिया गया है कि किस टाइम पिंडाल में पहुंचना और इस हवाले से और क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे? हमें टाइम दिया गया है तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे का, हमने उधर इंशाल्लाह पंडाल में पहुँचना है। और हमारे जलसागा की जो जगह है वो ये फातिमा जिन्ना टाउन है जो हमारे मुल्तान के बिल्कुल करीब है, लारी अड्डे के साथ है। इसमें इंशाल्लाह जलसा गाह में जाएंगे, अफराद भी बहुत हो गए तो उसके लिए बेहतरीन जो है ना ये इन्होंने टाइम बहुत अच्छा दिया क्योंकि दोपहर का टाइम है, सर्दी का मौसम है, इसमें लोग भी याद आ जाएंगे और दोपहर का वक्त होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल रहेगा ये। हाँ जी बिल्कुल, लीगी टिकट होल्डर आमिर मंजूर अंसारी का कहना है कि पार्टी क्यादत की जानिब से फी सूबाई हलका जो है वो 500 अफराद वर्कर कन्वेंशन में लेके जाने का कहा गया है। विहाड़ी चौक के साथ फातिमा जिना टाउन के अंदर पिंडाल सजेगा और उनका कहना है कि ये जनूबी पंजाब। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू। मरियम नवाज कल बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल 3 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 2 फरवरी को बहावलपुर और रहीमयार खान के MNA से मुलाकात करेंगी। आपको आगाह करें सियासी खबर के हवाले से, मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी। मरियम नवाज कल बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल 3 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 2 फरवरी को बहावलपुर और रहीमयार खान के MNA से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू। मरियम नवाज कल बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल 3 बजे बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 2 फरवरी को बहावलपुर और रहीमयार खान के MNA से मुलाकात करेंगी। मुस्लिम लीग नून को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साबिक मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी की रोही से गुफ्तगु, मजीद इनका क्या कहना है जानते हैं महमूद जहीर से। अजी मुस्लिम लीग नून की कायद यूं कह लें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कायद ही हैं नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में, तो बहावलपुर आ रही हैं। क्या प्लान्स हैं, वर्कर्स कितने पुरजोश हैं, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग यूथ विंग पाकिस्तान के अकील नजम हाशमी साहब, साबिका मेयर भी है। सर बताइए जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी की अपने नए जो जिम्मेदारियां तफवीज़ होने के बाद पाकिस्तान पहुंची थी आपको मालूम है, और सबसे पहला विजिट उनका बहावलपुर का है क्योंकि नवाज साहब कहते हैं कि बहावलपुर उनका दूसरा घर है, तो उनकी बेटी ने अपने बाप की जो रवायत है उसको कायम किया, वो यहाँ वर्कर्स के दरमियान मौजूद होंगे इंशाल्लाह कल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत पुरजोश हैं इस बात को लेकर कि जो मुखालिफ कुवतें ये कहती थी कि नून लीग जो है पिट गई है, नून लीग के पास कोई बयानियाँ नहीं है। नून लीग के पास बयानियां भी है, मुस्तकबिल का प्रोग्राम भी है, नून लीग के पास एक बेहतर सियासत भी है, एक महज़ब रहनुमा के तौर पर वो सामने आएंगी। और मैं ये समझता हूं कि गाली गलौज का कल्चर, चोर डाकू कहने का कल्चर आज अयां हो चुका है कि चोर कौन है, डाकू कौन है, किसने पंजाब को लूटा, किसने पंजाब को नाहल क्यादत के सपुर्द किया और किसने पाकिस्तान की जो है बुनियादें तक हिला दी। इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह पहले फ्रॉम द फ्रंट लीड किया था, अब वो फिर मुस्लिम लीग नून को फ्रॉम द फ्रंट लीड करेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वापस वो मकाम दिलाएंगी जो साजिश के तहत 2018 में छीन लिया गया था। बहुत खूबसूरत गुफ्तगु। अकील नजम हाशमी साहब जो कि साबका मेयर थे बता रहे थे कि महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करते हैं आम खबर। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। कमिश्नर मुल्तान के अफसरान से अलविदाही मुलाकात, कहा कि मुश्किल हालात में भी मेरिट पर काम किया, कोशिश की है कोर्ट केसेस में इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए।
आपको आगाह कर रहे कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। कमिश्नर मुल्तान के अफसरान से अलविदा मुलाकात। डीपीओ बहावलपुर अपनी फोर्स के वेलफेयर के लिए मुतहरिक। डीपीओ की अफसरान से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का कहना है कि पुलिस फोर्स से बेहतर नतीजे देने के लिए पुलिस फोर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस हवाले से जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि जो साइलिन हैं वो आम शहरी ही हों, पुलिस के जो नौजवान हैं, जो पुलिस की फोर्स है उसके भी मसाइल हैं, और इस हवाले से अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान जो एक रिवायत है राबते की वो बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने जो पुलिस के नौजवान हैं उनके जो मसाइल हैं, पुलिस फोर्स के जो मसाइल हैं, वो उनसे बैठ कर डिस्कस किए हैं और उनके मसाइल हल करने के हवाले से जो है इकदाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। सर बड़ी अच्छी रिवायत है, मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हैं, किस किस्म के मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर पेश होते हैं और इस हवाले से क्या हिदायत जो है वो जारी की जाती है और इस रिवायत के हवाले से भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। हमने एक अपना यहाँ सिलसिला जारी रखा हुआ है जिसमें हम रोज़ाना मीट दी ऑफिसर्स के नाम से हम अपने अफसरान और जवानों से मिलते हैं और उसमें उनके मसले मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। जैसी ये हमारी सोसाइटी है और बिलखसूस बावलपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डिस्टेंसेस दूर हैं, तो हमारे जवानों के मसाइल छुट्टी के हवाले से, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, उसके अलावा उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ के इशू, तो हमारी ये कोशिश है कि होती है कि हम अपने इन लोगों से मिलें, उनके मसाइल यहाँ पर जानें और एक इनके प्रॉब्लम्स और इनकी वेलफेयर को एक प्रायोरिटी दें। अगर ये ज़हनी तौर पे पुरसकून होंगे, अगर इनके घरेलू मसले मसाइल और चीज़ें हल होंगी, तो यकीनन ये अच्छे पुलिस अफसर साबित होंगे और जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनकी बेहतर तरीके से उनकी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। जी बिल्कुल, आवाम की बेहतर खिदमत सर अंजाम देने के लिए जो है वो पुलिस की जो फोर्स है, जो जवान है, उनसे खिदमत सर अंजाम देंगे। रजा मलिक बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं विहाड़ी का। मेंबर पंजाब बार कौंसल राउ शेराज रजा चेयरमैन पंजाब डिसिप्लिनरी कमेटी मुकर्रर। चेयरमैन मुंतखब होने पर मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से शानदार इस्तकबाल। मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर राव शहराज रजा को आज पंजाब बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके चेयरमैन उन्हें मुंतखब किया गया है और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जितने भी दोस्त हैं उनकी तरफ से आज उन्हें चाय पे भी मधु किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आज आप चेयरमैन भी बने। क्या समझते हैं कि इन वकला के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन बनना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने बिहाड़ी बार के दोस्तों का जिन्होंने आज बार रूम में इकट्ठे होके हमारी इस खुशी को सेलिब्रेट किया, और मैं तमाम मेंबरान पंजाब बार काउंसिल ऑल ओवर दी पंजाब उनका भी बेहद मशकूर हूं जिन्होंने बतौर डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी मुझे मुंतखब किया और बिहाड़ी को यह एजाज़ हासिल दिया बिहाड़ी को। और ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वर्किंग के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल की बहुत बड़ी कमेटी है और इसमें वकला के डिसिप्लिन मिसकंडक्ट कंडक्ट के जो केसेस हैं वो सारे समाप्त होते हैं। ये मैं समझता हूँ एजाज़ या आनर के साथ साथ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि बिहाड़ी बार से मेरी तरबियत हुई है और मैं बिहाड़ी बार का सर फ़ख्र से बुलंद करूं और पूरे पंजाब में ये बता सकूं कि अगर बिहाड़ी बार को ये जिम्मेदारी दी गई है तो इन्होंने बड़े आसान अंदाज से इस जिम्मेदारी को सरंजाम दिया है। और मैं दुआगो हूं तमाम दोस्तों से कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं सुरखरू रहूँ इसमें। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब बार काउंसिल की ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है सबसे बड़ी कमेटी है और कोशिश की जाएगी कि इसके जितने भी जो एसओपीज हैं उनको जो है मनोआन जो है वो पूरा किया जाए। और दोस्तों से इस वक्त रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि जितनी बड़ी ये जिम्मेदारी इन पर आयद की गई है कि वो दुआ करें कि इस डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से वो इन्हें बखूबी सर अंजाम दें। आपके साले मोहम्मद बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। काटा बहरान के हवाले से खबर शामिल करेंगे। लैया में सरकारी आटे का हसूल मुमकिन ना हो सका। शहरी आटे की खरीदारी के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। सेल्स पॉइंट्स पर आटे की सप्लाई कम होने पर खरीदार परेशान। मजीद बात करते हैं जाहिर सफराज से। जी बिल्कुल जी, लैया के अंदर जो आटे की किल्लत का मसला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात की तो लैया समेत जो मुख्तलिफ छोटे बड़े कस्बात है वहाँ पर जो है आटे की किल्लत की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मैं से मौजूद हूँ जम्मन शाह के अंदर, कस्बा जम्मन शाह के अंदर। बात की तो जहाँ पर आटे की कमी की वजह से दुकानदार हैं वो जहाँ परेशानी के शिकार है वहीं पर
अगर बात करें शहरी जो है वो भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं सब मौजूद है दुकान के बाहर जहाँ पर चंद थैले जो आटे के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको लेने वाले जो अफराद हैं सैकड़ों तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आटा जो उनको नहीं मिल रहा। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, वजह से क्या मुतालबा आटे से आटे कोटा बताया वे क्या मुतालबा आटे से कोटा बताया वजह गरीब लोग दुकानों तक दिता वे लाइन अच्छी होती नहीं काट सकते जूनियर काउंसिल है जो उतर के दी दिए बंदे को मुझे तुसा क्या अक्सो क्या मुतालबा कर रिश्वत साल मुतालबा दुकान ते आटा दिता वने यूनियन काउंसिल चट्टा नहीं देंदे उता भी ठेला ही ते सिफारिश ते देने नथा सिफारिश चलते अपन था यूनियन काउंसिल बिल्कुल जी। यहां पर शहरों का कहना है कि सिफारिशों के बुनियाद पर जो सिफारिश की बुनियाद पर आटा दिया जाता है इस पर जो मुतालबा कह रहे दुकानों पर आटा फराम किया जाए और ट्रकिंग प्लान जो खत्म किया जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं भजन तुसा दसो आटे की किल्लत है कितनी मुश्किल से बेदम सर मुश्किल से आटा नहीं मिलता आटा नहीं मिलता दुकान ने लेना से क्या मुतालबा सर आटा से दुकान ने बताया आटा दुकान पर दे भजन तुसा दसो तुसा आटा खिलाने आवे देवे क्या तरह मुतालबा है भजन यूनियन काउंसिल में आटा दिता ना वने जब के उता हर कोई अपना मुंह मुलादा चले दे इस गालो सारी गुजारिश है हुकूमत को के आटा दुकान दे दिता वने। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर सूरत हाल ये है की यहाँ पर 30 थैले आटे के दुकानों पर आते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद सर फराज। आगे बढ़े और आपको बताएं आम आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बन कर रह गया। ऊट शरीफ में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरबा इजाफा, सीमेंट की बॉडी की कीमत में 120 रुपए का इजाफा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद बताइएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोल ने मसनूआत की कीमतों ने अपने समरा दिखाना शुरू कर दिए हैं। जहां अशे खुर्दनोश की कीमतों में बेतहा इजाफा हुआ है वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल है घर बनाने के लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल होता है उसकी कीमतों में भी बेतहा इजाफा हो चुका है। हम इस वक्त एक बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पर मौजूद हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाई बताइए एक हफ्ते के दौरान ये कितना इजाफा हुआ है, सीमेंट की बोरी हो या सरिया हो या बजरी हो, इसमें आप जरा तफसीलन बताइए कि कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल जी, इसी दो हफ्तों में डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत के एकदम रेट बढ़ने से सीमेंट की बोरी 120 रुपए अप हो चुकी है और सरिया की बात करें सरिया 40 से 100 रुपए पर केजी इजाफा हो चुका है। इसी तरह बजरी की बात करें तो बजरी का ट्रक पहले 1,20,000 में आता था, अब 40,000 बढ़ के 1,60,000 में आता है। इसी तरह बात करें दरवाज़ों की तो दरवाज़ा ये छोटा दरवाज़ा ठहरा है ये 4,000 का होता था, अब ये दरवाज़ा 6,500 में पहुँच चुका है। इसी महंगाई को देखते हुए शॉप पर हम सिवाय लोगों को देखने के और कुछ नहीं है, दुकान बिल्कुल शॉप पर सिवाय लोगों को देखने के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई ने जो है जहां लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है वहीं ये कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ है क्योंकि महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियाँ वाली गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बताखेल के सामने गंदगी के ढेर लग गए। इलाके भर की गंदगी प्राइमरी स्कूल के सामने डाली जाने लगी। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बताखेल के मेन गेट के सामने गंदगी के ढेर लग गए। इलाका भर की गंदगी स्कूल के बाहर फेंक दी जाती है जिसकी वजह से करीबी दुकानदार और स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं शदीद मुश्किल से दो चार हैं। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे जी गंदगी की ढेर लगी। जी मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मेरा करीबी मेरा घर है तो मतलब जहाँ से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी जो रोड के ऊपर तक आ गई है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी से कि काइंडली इन चीज़ों को देखें जो कि बीमारियों का सबब बन रही हैं चीज़ें और डिफरेंट मसाइल हैं लोगों को, तो इसको जल्दी से जल्दी कोप अप करें ताकि चीज़ों को जो है वो समराइज किया जाए, सेट किया जाए। तो मतलब हमारी तो रिक्वेस्ट ही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे बीमारियाँ भी फैल रही हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका साथ ही घर है, ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जी भाई इधर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सामने पड़े हैं मुर्दे, सामने बकरियों के मवाद आते हैं, गदबो आती है, सफाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सफाई के नाकिस इंतजाम हैं जिसकी वजह से करीबी जो यहाँ के सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। अख्तर मजाज बहुत शुक्रिया तफसील आगाही के लिए। न्यूज स्टूडियो से तिलवक इतना ही।